ओम शांति। 12 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बापदाता मधुबन। रिवाइज डेट है 30 नवंबर 1999। आज की मुरली का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो, यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है, ब्राह्मण जीवन है मजे की। संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं लेकिन दिल से दूर नहीं हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का वरदान है ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। विश्लेषण है, जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं
आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। आज की मुरली का स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। ओम शांति।